हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल पावर टेक हेल्प आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं सेफ़ा ड्रॉक्स टैबलेट्स के बारे में जो कि आप इमेज में यहां पे देख सकते हैं और इसका उपयोग पुराने से पुराने फोड़ा फुंसी और घाव को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए यूज किया जाता है अगर जैसे कि आप इमेज में यहाँ पे देखेंगे ये भी जो डिफरेंट टाइप्स के ऊंडस का इमेज दिख रहा हो फोड़ा फुंसी का इसको ठीक करने के लिए आप इस सेफा ड्रॉक्स टैबलेट का यूज कर सकते हैं और यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स होता है तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो के बारे में तो सबसे पहले आप यहाँ से देखेंगे कि इस टैबलेट जो है सेफाड्रॉक्स टैबलेट्स को कौन सी कंपनी मैनुफैक्चर करती है तो इसकी जो मैनुफैक्चर कंपनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के द्वारा इस सेफाड्रॉक्स टैबलेट्स को मैनुफैक्चर किया जाता है और इसका मार्केट प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इजीली आपको फोर्टी फाइव रुपीज़ में इसके वन स्ट्रिप हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा अब बात करते हैं इसके यूज के बारे में तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सेफा ड्रॉप टैबलेट्स से हैं इसका यूज़ आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं यह पर एक प्रकार का एंटीबाइटिक्स टैबलेट्स होता है जिसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कील करने के लिए इस टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं औंड इन्फेक्शन हो यानी जख्म हुआ हो या फिर थ्रोट इन्फेक्शन हो गले में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो ईयर में इन्फेक्शन हो इस तरीके के कंडीशन को ठीक करने के लिए आप इस सेफाड्रॉक्स टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे स्किन में इन्फेक्शन हो गया हो लंग्स इन्फेक्शन हो या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो इन सबको ट्रीट करने के लिए आप इस सेफाड्रॉप टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं और इसका काफ़ी मतलब बेनिफिशियल यूज होता है ज़्यादातर इसके यूज की जाने वाला यह टैबलेट है अब बात करते इसके डोज के बारे में तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो डोज आप टी सीनेट दें यानी दिन में दो बार यूज कर सकते हैं यानी वन टैबलेट मॉर्निंग में और वन टैबलेट आप इवनिंग में ले सकते हैं और इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रैसेज होना या फिर वोमेटिंग होना एलर्जिक रिएक्शन होना एस्टोमिक पेन पेट में दर्द होना नोजिया होना डायरिया का प्रॉब्लम होना इस तरीके के कंडीशन जो होते हैं इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं और इनडाइजेसन होनी यानी फूड का हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट ना होना इस तरीके के कंडीशन भी इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं तो अब बात करते हैं इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में तो आप यहाँ से देखेंगे कि इसके जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं इन कंडीशन में आपको यूज नहीं करना चाहिए जैसे जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल होती हैं या फिर प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको लीवर में लीवर में प्रॉब्लम हो किडनी में प्रॉब्लम हो ये किडनी है इसके अंदर प्रॉब्लम हो तो आप इस कंडीशन में आप इस सेफाड्रॉक्स टैबलेट को यूज़ नहीं करना चाहिए अगर आपको यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट लें देन आफ्टर डेट उसके बाद आपको इस टैबलेट का यूज करना चाहिए तो आप लोग समझ गए होंगे इस सेफा ड्रॉग्स टैबलेट्स के बारे में इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो